Wind, Storm and Cyclone. In this chapter we will study about the definition of wind, what is cyclone and storms. At first here we will see in Orissa cyclones hits with the wind speed of 200 km per hour. 18 October 1999 Orissa ke andar jo cyclone 200 km per hour se kya hua हिट किया था, जिसके अंदर जो है 45,000 जो है हाउसेस और 7 लाख पीपल जो है होमलेस हो गए। दोबारा फिर 29 अक्टूबर को फिर जो है 260 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से वहाँ पे फिर साइक्लोन आया था, जिससे काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ। तो यहाँ पे फर्स्ट है जो विंड किसको कहते हैं, तो जो मूविंग एयर है वही हमारा क्या कहलाता है, विंड कहलाता है। अब यहाँ पे एयर के कुछ जो है कैरेक्टरिस्टिक्स को देखेंगे। सबसे पहले जो है एयर एग्जर्ट प्रेशर। एयर क्या करता है, प्रेशर एग्जर्ट करता है। इसको हम लोग एक छोटे से एक्टिविटी के द्वारा समझने का कोशिश करेंगे। जैसे कि एक केन ले लिए, केन में हाफ वाटर डाल के उसको क्या करेंगे, गर्म करेंगे ऊपर से ढक्कन बंद करके। तो यहाँ पे देखेंगे जो वाटर जो है चेंज हो गया वेपर में और पूरे खाली स्पेस को क्या कर लिया, वो भर लिया। उसके बाद उस केन को नीचे उतार के उस पर अगर वाटर डालते हैं तो क्या देखते हैं, जो उसके अंदर वेपर है वो कंडेंस होके फिर चेंज हो गया किस में, वाटर में, और अंदर का स्पेस खाली हो गया। और यानी कि अंदर का जो प्रेशर है वो ख़त्म हो गया और बाहर का जो प्रेशर है वो उस डब्बे को क्रश कर दिया। इससे पता चलता है कि एयर क्या करता है, प्रेशर एग्जर्ट करता है। दूसरा है हाई स्पीड विंड्स आर एकम्पेंड बाय रिड्यूस एयर प्रेशर। यानी कि हाई स्पीड विंड जो है एयर प्रेशर को रिड्यूस करता है। इसके लिए एग्जांपल देखिए, एक बोतल के अंदर हम लोग क्या करते हैं, कुछ जो है पेपर का बॉल डालते हैं और उस बोतल को क्या करते हैं, मुंह से हवा करते हैं, तो देखते हैं कि जो बॉल जो है ऊपर की तरफ उठने लगता है। इससे भी प्रूफ होता है जो हाई विंड जो है एयर प्रेशर को क्या करता है, रिड्यूस करता है। अब आ जाइए आप यहाँ पर, जैसे कि एक हम लोग जो है स्टिक ले लेंगे, उसमें 2 बैलून को बांधते हैं वो एयर डाल के, और बैलून इसी तरीके से बंधा हो जो वो आगे पीछे रिप्लेस हो सके। तो ये जैसे हम लोग उसके बीच में हवा करते हैं तो दोनों बैलून एक दूसरे के नज़दीक आ जाता है। तो इससे भी क्या हुआ, बीच का जो है एयर हट गया, यानी कि एयर प्रेशर रिड्यूस हुआ, तो जो साइड का एयर है वो उसके ऊपर प्रेशर लगाया। इसी तरीके जो है यहाँ पर एग्जाम्पल है आपका, ये जो है स्ट्रिप का, पेपर स्ट्रिप का, पेपर स्ट्रिप को इस फिगर की तरह रखिए और उसको मुंह से हवा कीजिए तो पेपर स्ट्रिप ऊपर की तरफ उठने लगेगा। तो ये भी शो करता है जो हाई विंड जो है एयर प्रेशर को क्या करता है, रिड्यूस करता है। ठीक है, अब जहाँ से एयर प्रेशर, मतलब जहाँ से एयर जो है ऊपर की तरफ उठता है, ठीक है, गर्म होके, वो हमारा लो प्रेशर रीजन कहलाएगा। और जहाँ पे जो है मतलब है वो मान लो उससे मतलब ज़्यादा एयर अवेलेबल है, वो हमारा हाई प्रेशर रीजन कहलाएगा। अब एयर एक्सपेंड्स ऑन हीटिंग, एयर जो है एक्सपेंड कर सकता है हीट करने पर। तो इसको हम लोग इस एक्टिविटी से समझ सकते हैं, जैसे कि 3 पॉट ले लिए, उसमें वाटर, एक में कोल्ड वाटर, एक में हॉट, फिर जो है कोल्ड वाटर डालें। इस तरीके से ट्यूब में बैलून लगा लेते हैं, बैलून लगा के जो है जब पहले वाले में डालते हैं तो उसमें देखें किसी तरीके का चेंजिंग नहीं आ रहा, लेकिन जैसे उसको वार्म वाटर में डालते हैं तो क्या होता है, जो ट्यूब के अंदर का एयर एक्सपेंड करता है, जिससे जिसका इफेक्ट जो है हमको बैलून के ऊपर दिखाई देता है, यानी कि उसका साइज बढ़ने लगता है। फिर दोबारा जब हम उसको जो है ठंडे वाले में डालते हैं तो फिर जो है वो वेपर जो है क्या होता है, जो मतलब वेपर क्या एयर जो है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है और बैलून जो है हमारा पहले वाले पोजिशन में आ जाता है। इससे पता चलता है जो गर्म करने के बाद जो है एयर जो है एक्सपेंड करता है। वार्म एयर लाइटर होता है कोल्ड एयर से। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे जो है, एक जो है इस तरीके से मतलब मैं ये बनाएंगे, स्टिक ले लेंगे, स्टिक में 2 जो है आपका पेपर बैग रहेगा जिसमें एयर है। अब एक को गर्म करेंगे तो गर्म वाला पोर्शन देखिएगा ऊपर उठने लगेगा और ठंडा वाला नीचे। इससे पता चलता है वार्म एयर जो है लाइटर होता है किससे, कोल्ड एयर से। नेक्स्ट है विंड करेंट्स आर जनरेटेड ड्यू टू द अनइवन हीटिंग ऑन द अर्थ। जो यानी कि एक बराबर अगर गर्मी नहीं मिलती है तो वहाँ पर विंड करेंट जो है जनरेट होता है। सबसे पहले जो है यहाँ पे हम लोग देखेंगे हीट बिटवीन इक्वेटर एंड पोल। तो हम लोग जानते हैं जो इक्वेटर पे जो है मैक्सिमम हीट रिसीव होता है, जिसके कारण जो वहाँ पे लो प्रेशर रीजन क्रिएट हो जाता है, और पोल पे जो है हीट कम रिसीव होने के कारण वहाँ हाई प्रेशर रीजन क्रिएट होता है, जिससे जो है एयर का जो मूवमेंट है वो हमारा किधर होगा, पोल से इक्वेटर की तरफ।
उसके बाद अनइवन हीटिंग ऑफ ए लैंड एंड वाटर। जब हम वाटर और लैंड के रिफरेंस में देखते हैं तो उस केस में क्या देखिएगा, जब एक जैसा टेम्परेचर दोनों सरफेस पे पड़ रहा है तो लैंड का एयर जो है जल्दी गर्म होकर ऊपर उठेगा, यानी लो प्रेशर रीजन क्रिएट करेगा, और वाटर में टाइम लगेगा वाटर के ऊपर के एयर को गर्म होने में। तो एक जगह लो प्रेशर बना, दूसरी जगह हाई प्रेशर। तो यहाँ पे जो अगर जहाँ पे लो प्रेशर रीजन है उस साइड जो है हाई प्रेशर रीजन से एयर जो है मूव करेगा, यानी अगर सी से लैंड की तरफ मूव करता है तो वो सी ब्रिज हो गया, और अगर लैंड से सी की तरफ ब्रिज करता है तो वो मूव करता है तो वो लैंड ब्रिज हो गया। यहाँ पे एक चीज़ और इम्पोर्टेंट है, जो मानसून विंड जो है वो अपने साथ वाटर को भी लेके आता है, जिसके कारण से क्या होती है, बारिश होती है। ठीक है, अब दो टर्म और देखना है हम लोग को, थंडर स्टॉर्म और साइक्लोन। तो यहाँ पे जो है थंडर स्टॉर्म और साइक्लोन में क्या देखते हैं, जो नीचे का जो भी रिवर लैक पॉन्ड्स वगैरह का जो भी वाटर है वो सन के लाइट से वेपर में चेंज होता है और वो ऊपर जाता है, ऊपर कंडेंस होके फिर जो है कंडेंस होके आइस में चेंज होता है और वहाँ से फिर जो है बारिश होती है। तो यहाँ पे क्या होता है, ये स्विफ्ट मूवमेंट ऑफ फॉलिंग वाटर, ठीक है, ड्रॉपलेट अलॉन्ग विद द राइजिंग एयर, यानी कि ऊपर से जो है वाटर का मूवमेंट हो रहा है नीचे की तरफ और एयर जो है नीचे से ऊपर की तरफ राइज करता है, जिसके कारण से वहाँ पे लाइटनिंग और साउंड दोनों क्रिएट होता है, और इसी को हम लोग जो है क्या कहते हैं, थंडर स्टॉर्म कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे है कह रहा है हाउ ए थंडर स्टॉर्म बिकम साइक्लोन। अब ये थंडर स्टॉर्म साइक्लोन कैसे बन जाता है, तो यहाँ पे क्या होता है, जो जब वाटर जो है फिर जो है यानी कि वेपर कंडेंस होकर लिक्विड बनता है, तो उसके अंदर जो हीट है वो एटमॉस्फेयर में क्या करता है, रिलीज करता है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है, जो जब वो रिलीज करेगा तो अपने आसपास के एटमॉस्फेयर को क्या करता है, गर्म करता है, यानी कि लो प्रेशर रीजन वहाँ पे क्या होता है, क्रिएट होता है, और उस सेंटर को भरने के लिए जो है काल्म एयर जो है मूव करता है, और यहाँ पे क्या होता है, स्टॉर्म जैसा मतलब सिचुएशन क्रिएट होता है। ठीक है, अब ये जो स्टॉर्म जैसा जो क्रिएट होता है जहाँ पे हाई स्पीड विंड जो है रिवॉल्व करता है वो उस लो प्रेशर रीजन के एरिया के चारों तरफ, उसको हम लोग क्या कहते हैं, साइक्लोन कहते हैं। और ये साइक्लोन डिपेंड करता है आपका स्पीड का, विंड कित ये विंड का स्पीड कितना है, उसका डायरेक्शन क्या है, वहाँ पर टेम्परेचर या फिर ह्यूमिडिटी जो है किस हिसाब से है। अब आइए डिस्ट्रक्शन कॉज्ड बाय साइक्लोन, साइक्लोन से क्या डिस्ट्रक्शन होता है। तो चूँकि साइक्लोन के अंदर हाई स्पीड विंड होता है तो ये क्या करेगा, जो है हमारे घर को डैमेज कर सकता है, टेलीफोन या फिर दूसरा कम्युनिकेशन सिस्टम हो, ट्री को डिस्ट्रॉय करेगा। ठीक है, उसके बाद जो है हमारे लाइफ और प्रॉपर्टी का भी बहुत ज़्यादा ये नुकसान करता है। उसके बाद आप आइए टोर्नेडो, तो यानी कि टोर्नेडो जो है इन आवर कंट्री दे आर नॉट वेरी फ्रिक्वेंट, ये ज़्यादा यहाँ पे नहीं देखने को मिलता है, लेकिन ये जो है एक डार्क फनल शेप्ड जो है क्लाउड का जो आकाश से जो है नीचे ज़मीन तक पहुँचता है, ठीक है, वही हमारा क्या कहलाता है, टोरेंडो। और इसका जो स्पीड होता है वो 300 किलोमीटर पर आवर स्पीड होता है। उसके बाद इफेक्टिव सेफ्टी मेजर, सेफ्टी मेजर में यहाँ पे देखेंगे साइक्लोन जो है वो उसका फॉरकास्टिंग या वार्निंग जो है पहले दिया जाना चाहिए। उसके बाद जो है रैपिड कम्युनिकेशन होना चाहिए, हर आधे घंटे पर जो है बार बार इसको टेलीकास्ट करना चाहिए। उसके बाद जो है जो इसलिए ऑथराइज मतलब ऑर्गेनाइजेशन है उनको क्या करना चाहिए, उस एरिया के लोगों के लिए जो है मतलब सेफ जगह पे जो है शेल्टर बनाने का काम करना चाहिए। अब यहाँ पे है पीपल क्या 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 कर सकते हैं, तो हम लोगों को जो है हमेशा जो है टीवी रेडियो और न्यूज़पेपर के द्वारा दिए जाने वाले इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना चाहिए, अपने यहाँ नेसेसरी अरेंजमेंट करना चाहिए ताकि जो है हम हाउस होल्ड गुड्स को, डोमेस्टिक एनिमल और व्हीकल को सेफ जगह पे पहुंचा सकें। ठीक है, उसके बाद जो है हम लोग को जो है ऐसे जगह समय पे अगर वाटर वगैरह जहाँ रोड पे जमा हो तो उस समय जो है हम लोग को उसमें ड्राइव नहीं करना चाहिए, क्योंकि फ्लड जैसा सिचुएशन होता है, रोड डैमेज रहता है, तो इससे बचने की कोशिश करनी चाहिए। उसके बाद जो है हम लोग को अपने पास है कुछ इमरजेंसी नंबर जैसे कि पुलिस, फायर ब्रिगेड और मेडिकल सेंटर वगैरह का जो है रखना चाहिए। उसके बाद और क्या क्या प्रिकॉशन है, तो हम लोग को जो है डू नॉट ड्रिंक वाटर दैट कुड बी कंटेंट कंटामिनेटेड,
तो यहाँ पे क्या है जो हम लोग को ऐसे वाटर को यूज नहीं करना चाहिए जो गंदा हो, और उसके लिए जो हम लोग को जो है स्टोर करके जो है वाटर रखना चाहिए साफ वाटर। उसके बाद जो है गीले हाथों से स्विच वगैरह को टच नहीं करना चाहिए, पावर लाइन को नहीं टच करना चाहिए, ठीक है। और हम लोग को जो है मस्ती के लिए बाहर नहीं घूमना चाहिए, ठीक है, क्योंकि किसी तरीके का हादसा हो सकता है। उसके बाद जो प्रेशर जो रेस्क्यू टीम है हमारा, उसको प्रेशराइज नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनके पास काम का लोड ज़्यादा रहता है, वो अपने हिसाब से मैनेज करके सबको सबको सहूलियत पहुँचाते हैं। उसके बाद अपने नाइबर या पड़ोसी को भी क्या करना चाहिए, हेल्प पहुँचाना चाहिए। एडवांस टेक्नोलॉजी हैज हेल्प। एडवांस टेक्नोलॉजी में क्या है, अभी के टाइम में जो है हमारे पास जो बहुत सारे एडवांस टेक्नोलॉजी हो गए हैं, जिसमें जो है सैटेलाइट और रडार्स जो हमारा जो है ज़्यादा हेल्पफुल है। इसके द्वारा हम लोग को 48 आवर पहले जो है ये मतलब इस सिचुएशन की स्थिति हम लोग को पता चल जाती है, और उस पर हम लोग जो है अब साइक्लोन वार्निंग जो है 24 आवर एडवांस जो है हम लोग क्या कर सकते हैं, इशू कर सकते हैं, और जो सेफ्टी प्रिकॉशन जो भी है उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, जो